नमस्कार प्रिय मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके और हमारे प्यारे से चैनल DSR जोन में। मित्रों, आज हम आपको बहुत ही सरल एक ऐसा उपाय बताएंगे जिस उपाय के द्वारा आप किसी भी खराब संबंध को, किन्हीं भी लोगों के बीच अगर संबंध खराब हो रहे हैं, पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका, दोस्त, रिश्तेदार, कोई भी दो लोग ऐसे हैं जिनका संबंध बिगड़ रहा है, खराब हो रहा है और वो इस बात को लेकर चिंतित हैं। कोई भी उन दो लोगों में से ऐसा है जो उस रिश्ते को सुधारना चाहता है, तो मित्रों आज जो हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं आप इसे कर लें, आपका यह कार्य भली भांति पूर्ण हो जाएगा और आप सफल हो जाएंगे उस रिश्ते को बरकरार रखने में। रिश्ता टूट भी रहा होगा मित्रों, टूट चुका भी होगा, तो भी वो संबंध इतना खूबसूरत हो जाएगा आप नहीं सोच सकते। बहुत सरल उपाय है परंतु इतना ज़्यादा असरदार, इतना प्रभावी उपाय है मित्रों। इसे करके आप अपने जीवन को खुशमय बना सकेंगे और अपने रिश्ते को, अपने संबंध को बचा सकेंगे। पहले से भी ज़्यादा मधुरता, पहले से भी ज़्यादा खूबसूरती आपके उस रिश्ते में होगी। मित्रों, इस उपाय को आप सोमवार के दिन करें, बुधवार के दिन करें या शुक्रवार के दिन करें, इन 3 दिन में से एक दिन आपने बस ये उपाय कर लेना है। क्या करना है, विधि किस प्रकार है इसकी, किस प्रकार से आपने इसे संपन्न करना है, बहुत ध्यानपूर्वक आप सुने और समझें। और यदि कोई भी संबंध आपके बीच में, आपके किन्हीं मित्रों के बीच में अगर कोई भी ऐसे हैं जिन्हें आवश्यकता हो, मित्रों अवश्य बताएं, बहुत लाभकारी उपाय है। क्या करना है, जो दिन बताए गए हैं कोई भी एक दिन चुन लें और उसके बाद जो भी व्यक्ति इसे कर रहा है, अपने जो भी रूमाल आप इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल किया हुआ रूमाल हो मित्रों, उसे आप लें, किसी भी रंग का हो, आपने उस रूमाल को धो लेना है बिल्कुल साफ। उसके बाद मित्रों, जैसा कि वीडियो में दिखाई गई है, हरी इलायची, आपने हरी इलायची लेनी है मित्रों। इलायची का गुण ही है शांत, यानी ठंडा गुण है उसका, और साथ में इलायची मित्रों बहुत ही सुगंधित होती है। यूं समझ लीजिए आपके रिश्ते में खुशबू फैल जाएगी। क्या करना है, 11 इलायची आपने लेनी है और 11 इलायची आपने एक जो रुमाल आपको बताया गया है उसके अंदर रख दें। रुमाल ना हो मित्रों, आप कोई इस्तेमाल किया हुआ साफ कपड़ा भी ले सकते हैं, उतना ही बड़ा, करीब करीब उतना ही बड़ा हो। और उसके बाद उसमें रखकर, रुमाल में आपने मित्रों क्या करना है, एक किसी भी कागज पर, साफ कागज, सफेद नाम लिखकर उस इंसान का जिससे संबंध ठीक करना है, मुख्य नाम लिख दें, या रूमाल पर भी आप नाम लिख सकते हैं, किसी भी पेन, स्केच पेन, कैसा भी रंग हो आप नाम लिखते हैं, कपड़े पर भी लिख सकते हैं, रूमाल पर भी, और आप कागज पर लिखकर भी इसमें डाल सकते हैं। इनको आप साथ रख दें और उस रूमाल को उसी रूमाल से गांठ बांध दें, यानी जो कपड़ा है उसी से गांठ दें, और उसके बाद उसे अपने दाएं हाथ में रखें और दोनों आँखों से एक बार चलाएं और हृदय पर लगाकर एक बोलें मंत्र। मंत्र बहुत सरल है मित्रों, याद करके बोलें, 11 बार आपने मंत्र बोलना है और आपने पूर्व दिशा की ओर बैठ जाएं एक स्थान पर। आप नीचे बैठें, बिस्तर पर बैठें, कहीं भी बैठें, समय आप कोई भी चुन सकते हैं इस उपाय को करने का, बस आपने स्वच्छता की हालत में से करना है। मंत्र किस प्रकार है मित्रों, ओम श्रीं विहिं संबंध सुयो तस्से, ओम श्रीं विहिं संबंध सुयो तस्से। मित्रों, मंत्र आपने 11 बार बोला, अब आपने क्या करना है, इस रूमाल को आप अपने बिस्तर के नीचे, जिस तरफ आप सिर रखते हैं उसकी दाईं ओर अपनी चादर के नीचे दबा दें। ध्यान रहे मित्रों, 7 दिन तक आपने इसे निकालना नहीं है,
यानी 7 रातें। आपने जिस दिन इसे किया उस दिन से 7 रात, 8वीं सुबह आप इसे निकालेंगे और घर के बाहर कहीं भी ज़मीन में गुप्त रूप से इसे छुपा देंगे। जिस जगह आपको मिले आसानी से, जहाँ कोई देखे नहीं, आप उस जगह से छुपा दें और अपने घर वापस आ जाए। वो हफ्ता जो मित्रों आपका होगा, जब तक ये आपकी क्रिया संपन्न होगी, आपका रिश्ता बहुत खूबसूरत हो चुका होगा, बिल्कुल सुधार हो जाएगा आपके संबंध में। आप सोच भी नहीं सकते कितनी मिठास उसमें आ जाएगी। मित्रों अब लेते हैं इजाज़त, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखें अपना, खुश रहें।